You just हाँ सर, introduce yourself. सर myself Swarnim and I did my graduation at IIT Delhi in chemical engineering and then I worked for Cubation Consulting Private Limited for 2 years. After that I quitted the job and decided to prepare for the civil services. And my hobbies are badminton and playing badminton and walking and my optional subjects are sociology. And I belong to district Purnia, Bihar. And you reside at presently you reside in Port Bihar. Purnia, Bihar. Bihar. So did you try in Bihar Police Service Commission also? Not yet. Sir, I tried it. The result is in the waiting list. Right now, they have not released the result. ओके अच्छा ये आप अपने को अपडेट रखने के लिए टेलीविजन भी देखते हैं हाँ जी न्यूज़ सर पेपर के साथ साथ टेलीविजन भी देखते हैं। जी सर बिल्कुल हेलो जी 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 सर हेलो कल जो है प्रधानमंत्री ने एक एशिया के सबसे बड़े सोलर एनर्जी प्लांट का लोकार्पण किया था, आपने देखा था न्यूज़ में? सर सॉरी सर यस्टरडे आई डिडंट वॉच द टेलीविजन अच्छा चलिए ये बताइए कि इनकी एक हेल्थ सेक्टर में बड़ी एम्बिशियस स्कीम लॉन्च हुई थी, दैट वाज कॉल्ड आयुष्मान भारत। यस सर इसके बारे में कुछ बताइए कि क्या है इस स्कीम में, क्या इसकी इंडिकेटर्स क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इससे क्या फायदा हुआ? सर आयुष्मान भारत सर बेसिकली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था लास्ट ईयर ही और इसके तहत बेसिकली इनमें जो है उन लोगों को इंश्योरेंस पहुंचाने की बात की जा रही थी जो इनमें मतलब बेसिकली दो कंपोनेंट्स थे। पहले कंपोनेंट में था कि सर 5 लाख ऑल द पीपल बिलो द स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया दे विल बी प्रोवाइडेड द इंश्योरेंस एंड द फैमिली मेंबर कंसिस्टिंग ऑफ द पीपल ऑफ द 5 विल बी प्रोवाइडेड द इंश्योरेंस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसमें सर ये इसमें सर दो कंपोनेंट्स है बेसिकली। एक तो पहला ये था और दूसरा सर आई एम फॉरगेटिंग राइट नाउ। एक तो इंश्योरेंस की बात की थी और दूसरी ये नेशनल हेल्थ सेंटर सर सॉरी सर आई कैन नॉट रिकॉल दिस। आपने जो सब्जेक्ट ऑप्ट किया है दैट इज सोशियोलॉजी, यस सर इसमें अब एक आध सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, जाति और वर्ग में जी क्या फर्क, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लास एंड कास्ट? सर क्लास इज सर कास्ट इज एस्क्राइब्ड क्राइटेरिया वेयर एज क्लास इज बेस्ड ऑन द अचीवेबल क्राइटेरिया एंड सर क्लास देर इज वर्टिकल मोबिलिटी इज पॉसिबल इन क्लास whereas वर्टिकल मोबिलिटी इज नॉट पॉसिबल इन कास्ट। सो फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे क्लास में हम देखेंगे तो सर जैसे अपर क्लास लोअर क्लास अपर लोअर मिडिल क्लास whereas जाति एक यूनिक फीचर है सर हमारे इंडियन सोसाइटी की एंड दैट इज लाइक डिवाइडेड इंटू डिफरेंट काइंड ऑफ हायरार्कियल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल शूद्र फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जातीज दे आर फाउंड इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल शूद्र ब्राह्मण और सर इन तरह से हायरार्की में अरेंज हैं सर। और वर्ण व्यवस्था से क्या जाति व्यवस्था का कोई रिलेशनशिप है? वर्ण वर्ण सर वर्ण व्यवस्था बेसिकली 4 हिस्सों में डिवाइडेड होती है सर जैसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एंड शूद्र। लेकिन जाति व्यवस्था उनके जो है उनके अंदर जो सब ग्रुप्स डिवाइड होते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सोगैमी स्ट्रक्चर इनसाइड दैट ऑफ द कास्ट इज कॉल्ड द मींस जाति उनको जाति कहा जाता है। जाति के निर्धारण का मूल आधार क्या था? जाति के निर्धारण का सर मूल आधार क्या है? सर मूल आधार सर जैसे कहें तो उनका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है जो जिस किस बेसिस पे उनका ये
अरेंज्ड है। ओके अच्छा ठीक है, अब हम आपको दूसरे मेंबर का आपको दे रहे हैं। स्वर्णिम नमस्कार। नमस्कार सर, ये बताइए कि अभी ये कोविड को लेकर ये घोषणा हुई है कि अगस्त में इसकी वैक्सीन भारत में आ जाएगी इंडिजिनस, तो इस तो इसको आप किस तरह से देख रहे हैं, क्या आ जाएगी ये? सर जैसा कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने कहा है सर, मतलब कि हमें ऑप्टिमिस्ट रहना है सर इन चीजों के लिए, तो हमें लगता है कि सर पॉसिबिलिटी है कि आने की संभावनाएं हैं, और अभी ह्यूमन ट्रायल चल भी रहा है, और सीएसआईआर ने सर अभी इसके बारे में भी कहा है कि सर इसके अभी दे आर डूइंग द ह्यूमन ट्रायल्स राइट नाउ, एंड होपफुली ये सर आ जाएगी। होपफुली आ जाएगी। सामान्यतः एक वैक्सीन जो सबसे जल्दी बनी है वर्ल्ड में, वो कौन सी बनी, उसको कितना समय लगा, इसने सबसे कम से कम समय लिया? सर एग्जैक्टली कंपनी आई कैन नॉट रिकॉल सर, अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। ठीक है किसमें? अच्छा, अभी जैसे एचआईवी की वैक्सीन नहीं बन पाई है, और कहा जाता है कि शायद 2030 तक संभावना है, मतलब लगभग 50 साल, तो ठीक है, ये हम स्वीकार करते हैं कि काफी तेजी से काम होता है, हो रहा है इस पे, और करीब WHO ने 70 कंट्रीज पर निगाह रखी है। एग्जैक्टली ठीक है। यस सर, अभी किसी कंट्री में इस वैक्सीन का यूज किया जा रहा है? कोई कंट्री करेंटली? हाँ सर, करेंटली तो मतलब अभी वर्ल्ड लेवल पे यूज पे, मतलब ह्यूमन ट्रायल्स चल रहे हैं अभी। सर एग्जैक्टली कंट्री के बारे में सर आइडिया नहीं सर, ह्यूमन ट्रायल्स तो अभी। चलिए कोई बात नहीं, आपका नेक्स्ट वरीयता क्रम क्या है, आपने दूसरा ऑप्शन क्या दिया है जॉब में? सर ARTO, असिस्टेंट रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। पुलिस को आपने नहीं दिया? नहीं सर, वो हेल्थ रिलेटेड मेडिकल फिटनेस की वजह से। अच्छा, कुछ दिक्कत है आपको? जी सर, एक तो सर वो मोर देन -6 डायोप्टर है सर आई की साइड, और सेकेंडली सर फ्लैट फुट है। ओके, नाउ ओवर टू द नेक्स्ट मेंबर। सोनी, आप ने क्या पढ़ाई लिखाई किया है? सर आई डिड बीटेक एंड एमटेक इन केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम IIT दिल्ली। उसके बाद आपने सिविल सर्विसेज में आने के लिए क्यों सोचा? सर एक्चुअली सर सिविल सर्विसेज ड्यूरिंग द कॉलेज टाइम ही मुझे सर इसके लिए प्रेरणा मिली थी, हमारे काफी सीनियर्स मतलब इनमें सिविल सर्वेंट को बनते हुए देखा है सर मैंने, और जो वो काम कर रहे हैं अभी, और सर मेरे को सर वहां पे ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट टाइम आई हैड अपॉर्चुनिटी टू गो टू द विलेज, एंड देयर आई सॉ द सर वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं थी, तो मुझे लगा कि सर मैंने वर्क भी किया था IT सेक्टर में, तो वहां से मुझे वो जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा था कि एटलीस्ट मैं जो कर रहा हूँ वो बहुत ही लिमिटेड लोगों तक पहुँच पा रहा है जो चीजें, मतलब वो इंडिविजुअल प्राइवेट सेक्टर के लिए कर रहा हूँ, अगर मैं सिविल सर्विस में आता हूँ तो हो सकता है कि मैं सर काफी लोगों को इम्पैक्ट रीच कर सकूँ, और इनका डाइवर्स नेचर ऑफ जॉब भी है। अगर आप ARTO हो गए, SDM के अलावा किसी भी फील्ड में अगर आप मान ले ARTO हो गए, तो आप विलेज में क्या करेंगे, विलेज कम्युनिटी रूरल एरिया? जैसी सर रिस्पांसिबिलिटी एंड ड्यूटीज मिलेगी तो उसकी उसका ये उसको निभाया जाएगा सर, जिस प्रकार में मुझे ये मिलेगी रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी। आप अपनी इंजीनियरिंग नॉलेज और स्किल को सिविल सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? सर इसको दो तरीके से मतलब इसको यूज किया जा सकता है, फर्स्ट की टेक्निकल एस्पेक्ट जो मैंने लर्न किया, और सेकेंडली सर जो नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट जो मैंने लर्न किया। फॉर एग्जाम्पल जैसे टेक्निकल एस्पेक्ट में मेरे मतलब काफी प्रिसीजन और ऑब्जेक्टिव बेसिस पे डिसीजन लेने के लिए वहाँ सिखाया जाता है,
और वहाँ पे लर्न करते हैं, और साथ ही साथ सर नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट में, फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो टीम स्पिरिट से ये सारी प्रोजेक्ट्स को करना, ग्रुप लर्निंग, वो सारी चीजें शायद मुझे सर ये लीडरशिप स्किल जो मैंने वहाँ सीखी है वो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में भी यूज करने के लिए काफी मदद मिलेगी अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है सर। धन्यवाद।